तृतीय श्रीक्षेत्र नीलगिरी बड़दाण्ड में गड़ला रथ मौसी मंदिर तीन ठाकुर आसिले श्रीमंदिर को प्रकृत नंदीघोष रथ नुहे बड़ ठाकुर रथ नुहे आम कहूँ नीलगिरी जन दिव्यांग युवक जिकि निज उद्यम आज जगार भाव जगार भक्ति आज से अनुप्राणित हो गोटे रथ तैयारी करो अबिकल पूरा नंदीघोष रथ भाया से रथरे समस्ते अच्छा जगह अच्छी भाई अच्छा भौणी अच्छा तार जो जो रथर जहाँ जहाँ थी ता सब अच्छा आम सीधा सख देखा जो चित्र आप देखुए किभली मौसी मंदिर बाहरी रथ बाहर की आसक जनक जो नीलगिरी जड़े युवक जो दिव्यांग युवक आज से रथ तैयारी करुवक से रथ को टाणी टाणी आणुंट श्रीमंदिर पाख को ता सहित किसी युवक गोष्ठी अच्छा से सहयोग करमें तक सहित कथा हवा जो कौन कहे आज जो रथ को जो आज आने कि तैयारी करते आप मुझे प्रथम एमती समस्त मूर्ति या ठाकुर मूर्ति जेहतु मुझे हेंडिकेप्ट आगे रथ टाणी पारे प्रथम थर पर मुझे जगन्नाथ मूर्ति को बनैली मैं से दिन देवसेना स्वप्न देश होता कि जगन्नाथ कहले कि तु मत निजे गढ़ निज रथ में बसइबू तर मोर इच्छा शक्ति है कि भिन्न कमे निजे रथ को करी और जी जगन्नाथ निजे ये रथ स्थापना करी ये बहुत खुशी लगुच जगन्नाथ को बड़दाण्ड में गढ़ बहुत खुशी लगुच एथेर तो मुझे रथर तैयार हुए चक अख चार अश्व और सारथी स्वयं महाप्रभु जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा को ये बसई कौन सब लगे मतलब दुई दिन टाइम लगेगा एंब विशेषकर तो जगन्नाथ निंब काठ तैयारी समस्त जिनस निंब काठ तैयारी कर सबू एवं सल सल ए पेपर तैयारी कर मत घर बहुत साहय करती मैंने मो सान भाई बापा बो मो जेजा जेजेमा मत बहुत हेल्प करती से तत्वधान में मुझे बड़ कर पारि और सब मुझे निजे जाए मार्केट रू कि निजे मुझे निज हाथ करें मत तो प्रथम स्वप्न देश होता कि मैंने जगन्नाथ मैं जिन रथ दिन मुझे निजे गाँव में रथ जगन्नाथ बस टाणी थी और ये सार बाबुल सार तत्वधान में मुझे नीलगिरी पहुँचली और बहुत बहुत अशेष धन्यवाद जेहतु मैंने नीलगिरी पहुँची पारे और नीलगिरी जगन्नाथ मौसी माँ का मंदिर पाखंड मंदिर आनी टाणी पहुँची पारे तो नीलगिरी जो बड़ रथ नंदीघोष रथ सरकार सब तो रथ पर केवल पूरी व्यतीत तो आउ कण भी रथ होगा सरकार मना करें जेहतु करोना कटका समस्त सुरक्षा अनुजाई मना कराई कहीं हम से बहुत खुशी अच्छी आज मैंने महाप्रभु निजे विजय मो मैंने कौन रथ निजे विजय कर बहुत खुशी लगुच शुणुले जो युवक जनक खुशी अच्छा से जो आज जो रथ नंदीघोषर जो विकल्प रथ भाया करौसी मंदिर टाणी टाणी श्रीमंदिर पाखे पहुँचा जो युवक जो समाजसेवी सहयोग करते आम सहित प्रतिकार ना सर कौन कहे आज जो सरकार रीतनीति अनुजाई नियम अनुजाई नंदीघोष रथ बंद होती आज गोटे आउ गोटे नंदीघोष रथ आज मंदिर से सब से जगन्नाथ इच्छा आ जगन्नाथ सगर भाया गोटे पिला जंगल में जन्म दे आज समस्त से प्रियपात्र नीलवास हो पारे नीलरी रथदाण्ड आज श्रीहीण हो रही पारा ना सगर भाया भक्त से आज टाणी नील रथदाण्ड को आसपारा एकुटिया से बिचरा रथ टाणी आम निमित्त मात्र आम तो कड़े कड़े जहाँ दिज आप भाया मीडिया ये टुना बाबू टुना भाई आउ कीर्तन बाला ये सात आठ जन धरिक आम चली सब कालियार इच्छा आज्ञा आ कालियार इच्छा से सब सब जदि जहाँ कि जीव श्रेय से सगर तेणु समस्त इच्छा आसंत वर्ष समस्त आप भल रुंतु बंचिक रुंतु जो पुणी नील रथदाण्ड केमी पूरी हम से आम समस्त इच्छा सरकार नीति नियम करते गोटे करोना कटक गोटे नियम करते आपम भितर आसना ना आम कटक भितर नुह आम छोट रथटी तार से सगर भावप्रवण ही पलि आसला आ हठात फोन कला आज्ञा मुझे जी मुझे तोर इच्छा होता आम सहयोग करवा जदि भी पुलिस लाठीमाड़ खाइब पड़ता था खाई था कि असुविधा ना कि आम आठ दस जन मिसिक पचपच चलते तो भावर ठाकुर जगह तो आपण मैंने चलित बर्ष रथजात्रार रथ को जगह को दर्शन वंचित अच्छा ये जो आज देखिले केमती कौन लगुच जय जगन्नाथ बहुत भाग्यर कथा आम आज जगन्नाथ को दर्शन कलु दिव्यांग सगर अलापाड़ पिला सीए कंप्यूटर इंजीनियर जड़े जगन्नाथ परम भक्त बर्तमान आम एरिया कहले चल से जो बाहुड़ा जात्रा रथटी कुनि रथट को निजे टाणी आनले दिव्यांग पिला आमे तांको सहित कोविन कटकणा नियम पालन करी मिष्टान बंटन करी घंट
କୁବୁଜି ବଜେଇ ଆମେ ଆସି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ନୀଳଗିରିବାସୀ ବି ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନୀଳଗିରିରେ ସେଇ କୁନି ରଥ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲା ସାଗର ଆଣିକି ଚଲେଇ ପାରିଲା। 2 ବର୍ଷ ଧରି ବନ୍ଦ ଥିଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ଯାହାକୁ ପଚାରିବେ ବହୁତ ଖୁସି ନୀଳଗିରିରେ ଆଜି ରଥ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ବାହୁଡ଼ା ରଥ ତାର ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ସେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସାଗର ତାର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କାମନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଭକ୍ତ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଆମେମାନେ ତ ଚରଣ ମାନେ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର, ସବୁବେଳେ ତ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ପ୍ରିୟ ଦେବତା, ଓଡ଼ିଶାର ଦେବତା, 4.5 କୋଟିଙ୍କର ଦେବତା। ନୀଳଗିରିରେ ଆଜି ସେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନିଜର ହିଁ ରହିଛି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଏବଂ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବି ତା'ର ପରମ ଉନ୍ନତି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କାମନା କରି ଏତିକି ରହିବି। ତ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଯୁବକ ଜଣକ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଏବଂ ଜଗାର ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରତି ଥିବା ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଭାବନାର ତା'ର ଆଜି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ବା ଆପଣ ଗୋଟେ ରଥ ତିଆରି କରି ସିଏ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ମୋ ସହ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ରଥ ଆଜି ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଜଗାର ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ଥିଲେ, ଆଜି ଜଣେ ଆଉ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ରଥକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ଆମେ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ରଥ ଦେଖିକି। ସେ ଯାହା ହେଲେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହେଲେ ବି ସେ ଯେଉଁ ଟାଣି ଟାଣିକି ଆସିକି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ କଲେଣି ସେଇଟା ଦେଖି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। କ'ଣ କହିବେ ଜଗାକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ? ହଁ, ଏଇଟା କାଳିଆର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, କିଛି ନାହିଁ, କାଳିଆର କିଛି ନଥିଲେ କିଛି ହୋଇପାରିବନି। ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ କିଛି ହୋଇପାରିବନି, ଭଗବାନଙ୍କର ମହିମା ହିଁ ଆଉ କ'ଣ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଭଗବାନଙ୍କ ମହିମା ବା ଅପାର କରୁଣା ଯୋଗୁଁ ସେ ଜଣେ ଯୁବକ ଆଜି ହେଇକି କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥକୁ ଆଣିକି ସେ ନୀଳଗିରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ନୀଳଗିରିରୁ କିରଣ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।